आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। मैं आपको क्रिया की एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। मैं तो सो रही थी, मुझे चिड़िया ने जगाया। चिड़िया बोली उठ उठ उठ। मैं तो सो रही थी, मुझे मम्मी ने जगाया। मम्मी बोली खा खा खा। तो जो हमने शब्द किए हैं, बोले हैं कविता में, उनको हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो ये जो मैंने टीएलएम बनाया है, इसके माध्यम से भी हम क्रिया शब्द को बता सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एक मोर का चित्र लिया है और इसके अंदर मैंने एक छोटी सी किताब चिपकाई है और उसमें मैंने चित्र चिपकाए हैं किताब के अंदर। जैसे पहला चित्र है जैसे नाचने का, दूसरा खाना, तीसरा कूदना। आप इस तरह से कोई और चित्र भी ले सकते हो। और इसमें जैसे मैंने मोर के पंखों में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इसमें हम बच्चों की असेसमेंट भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो इसमें बच्चे क्रिया शब्दों पर गोला लगा सकते हैं। जैसे इसमें खेलना है, क्रिया शब्द है, इस पर गोला भी लगा सकते हैं। और उसके बाद दूसरा वाक्य, राधा नाच रही है, तो इसमें हम बच्चों को ये पूछ सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा क्रिया शब्द है। तो इसमें बच्चे बताएंगे जैसे नाचना। जिस तरह से मैंने तो ये चार्ट लिया था क्रिया समझाने के लिए, तो आप कुछ और भी ले सकते हो क्रिया समझाने के लिए। जैसे फ्लैश कार्ड ले सकते हो, फ्लिप कार्ड ले सकते हो। आप इस तरह से भी क्रिया शब्द को समझा सकते हैं। थैंक यू।